Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, Seat R.N. Ruiya, Government College, Ramgarh Shekhawati, District Sikar, Rajasthan. बच्चों B.Sc. Part 3 में second paper, Organic Chemistry में हमने topic start किया हुआ है Carbohydrates. देखिए बच्चों क्या है कि यहाँ पर एक बहुत important topic है That is परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन म्यूटा रोटेशन. ये टॉपिक स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड है. मैंने ग्लूकोज का जब स्ट्रक्चर लिखा था तो बच्चों आपको कहा था C2 ये वन है, 2, 3, 4, 5 टू में राइट साइड में, थ्री में लेफ्ट साइड में, फोर में राइट साइड में, फाइव में राइट साइड में. और मैंने आपको ये कहा था कि ये किससे कनेक्टेड है, हर कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री, राइट. हम यहां पर म्यूटा रोटेशन परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन यानी समय के साथ ध्रुवण कोण के मान में परिवर्तन, राइट. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ध्रुवण कोण क्या है. कि देखिए समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इस लाइट को जब किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में से पास करते हैं बच्चों, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन अनसिमेट्रिकल होता है, कार्बन से जुड़ी चारों परमाणु या समूह अलग अलग होते हैं, ऐसा कार्बन कहलाता है किराइल कार्बन, अनसिमेट्रिकल कार्बन. और इस प्रकार के यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को रोटेट कर देते हैं. कितना रोटेट करते हैं, दिस अल्फा, इसे हम कहते हैं ध्रुवण कोण, राइट. स्पेसिफिक रोटेशन, विशिष्ट घूर्णन, क्लियर. तो हम देखते हैं यहां पर कि ग्लूकोज का, बच्चों मैंने आपको अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के बारे में बताया है पार्ट नंबर 5 के अंदर. और देखिए अल्फा ग्लूकोज का जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन कितना स्पेसिफिक रोटेशन शो करता है, +112 डिग्री. लेकिन समय के साथ ये मान कम होकर के, हम इसका 3 दिन बाद 4 दिन बाद जब स्पेसिफिक रोटेशन निकालते हैं अल्फा ग्लूकोज के सॉल्यूशन का, तो क्या होता है, +52 डिग्री, क्लियर. तो यहां पर समय के साथ ये परिवर्तन होता है, इसे कहते हैं विशिष्ट घूर्णन. इसी प्रकार बच्चों देखिए, दिस इज द बीटा ग्लूकोज, और बीटा ग्लूकोज का जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन होता है उसका बच्चों स्पेसिफिक रोटेशन +19 डिग्री. और हम 3-4 दिन के बाद जब इस सॉल्यूशन का विशिष्ट घूर्णन निकालते हैं तो क्या देखते हैं, +52 डिग्री. और हम बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि सॉल्यूशन तो कन्फर्म है, हमने इस पे लिखा भी हुआ है बीटा ग्लूकोज का सॉल्यूशन, और ये क्या हुआ. तो ये करामात क्या है, समय के साथ इस कोण का कम होना या बढ़ना, तो इसे हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन. बच्चों यहां पर फर्स्ट पॉइंट मैंने बिल्कुल सिस्टम से लिखा है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, देन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द म्यूटा रोटेशन. बिल्कुल इसको प्रेजेंटेशन पार्ट परीक्षा के अंदर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने मैटर को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आप वहां पर उपस्थित नहीं होते, हर चीज को आप स्पेसिफाई करिए, राइट. फर्स्ट पॉइंट अल्फा ग्लूकोज का ताजा जलीय विलयन सी कितना शो करता है विशिष्ट घूर्णन, 112 डिग्री. और यह विशिष्ट घूर्णन धीरे धीरे समय के साथ कम होकर के कितना हो जाता है अंत में, 52 डिग्री, राइट. सेकंड पॉइंट, दिस इज द बीटा ग्लूकोज, हम बीटा ग्लूकोज का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, उसका स्पेसिफिक रोटेशन निकालते हैं, कितना आता है, +19 डिग्री. और ये मान 19 डिग्री, ये बेटा देखो ये विशिष्ट घूर्णन समय के साथ बढ़कर के +52 डिग्री तक हो जाता है, ये इंक्रीज हो गया,
यानी बीटा ग्लूकोज में इंक्रीज होता है, अल्फा ग्लूकोज में कम होता है। विशिष्ट घूर्णन का मान, ध्रुवण कोण का मान, क्लियर। तो बच्चों ये जो समय के साथ ध्रुवण घूर्णन के मान में समय के साथ कम होना और बढ़ना, राइट, ये कहलाता है परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन या म्यूटा रोटेशन, राइट। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है म्यूटा रोटेशन। और बिगिनिंग के अंदर सॉल्यूशन हमने बनाया, सॉल्यूशन के ऊपर हमने लेवलिंग कर दिया, और उसी सॉल्यूशन का जब हमने बाद में निकाला तो देखा कि उसका विशिष्ट घूर्णन परिवर्तित हो गया। तो वो परिवर्तित क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर म्यूटा रोटेशन, उनके अंदर समय के साथ ध्रुवण कोण के मान में घटना या बढ़ना, कम होना या अधिक होना, ऐसा प्रोसेस होता है और इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनता है। बच्चों इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, ये मैंने क्लियर लिखा है, साम्य मिश्रण में 38% अल्फा ग्लूकोज और 62% बीटा ग्लूकोज, ये इसके अंदर स्पेसिफाई कंफर्म है। अब देखिए ग्लूकोज के उपरोक्त गुणों की व्याख्या करने के लिए एक चक्रीय संरचना का सुझाव दिया गया। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैंने पार्ट फिफ्थ में भी बताया था साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, है ना, और ये उसी से रिलेटेड है कि चक्रीय संरचना का सुझाव दिया गया क्योंकि समय के साथ इनके मान में परिवर्तन होता है। अल्फा ग्लूकोज का मान कम होता है, बीटा ग्लूकोज का मान, विशिष्ट घूर्णन का मान बढ़ता है। तो यहां पर बच्चों देखिए कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर में ग्लूकोज का एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह अंत है अणुक रूप से। बेटा देखो यहां पर बुक के अंदर मैंने देखा है, दो तीन बुक्स के अंदर लिखा है अंतर अणुक रूप से, गलत है, इट्स ए अंत है अणुक, इंट्रा मॉलिक्यूलर, विद इन द मॉलिक्यूल, है ना। यू नो हम कोई एक्टिविटी करते हैं विद इन द क्लास, बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक ही क्लास के अंदर हम कोई प्रतियोगिता करते हैं, दैट इज द इंट्रा क्लास। और अगर बिटवीन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर साइंस, देन दिस इज द इंटर क्लास, और साइंस और आर्ट्स दिस इज द इंटर फैकल्टी, राइट। और अगर दो अलग अलग कॉलेजेस, दिस इज इंटर कॉलेज, हम कहते हैं इंटरनेशनल, बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया दिस इज द इंटरनेशनल, वाइल द मैटर ऑफ द इंडिया इज द इंटरनेशनल, राइट। यहां रिएक्शन किस तरह की है? अंत है, बहुत गड़बड़ हो रखी है किताबों के अंदर, है ना, अंत है अणुक रूप से एल्डिहाइड समूह के साथ रिएक्शन करके हेमीएसिटिल, बहुत सिंपल रिएक्शन है बच्चों, ये जो हेमीएसिटिल का फॉर्मेशन है ना, ये 12th क्लास का एल्कोहल और 12th क्लास का एल्डिहाइड्स दोनों के अंदर ये रिएक्शन है ना। यहां क्या हो रहा है, C1, 2, 3, 4, 5, ये बच्चों OH ग्रुप का हाइड्रोजन यहां चला जाता है और ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाता है, राइट। यहां क्या हुआ, दिस OH, बेटा ये हाइड्रोजन इधर आ गया और ये देखिए दिस इज द OH। अक्सर बच्चे, मैं पढ़ाता हूं, अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बच्चे सवाल पूछेंगे, कई बार सवाल पूछते हैं बच्चे खड़े होकर के, हाथ खड़ा करते हैं कि सर 1, 2, 3, 4, 5 ये C5 का ही OH ग्रुप ये लिंकेज क्यों बनाता है, C4 वाले ने क्यों नहीं बना लिया, ये 2 वाला तो बिल्कुल पास है ना। इसको बच्चों मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मे बी 7 और 8 मैं इसको हम इसको लॉजिकली समझेंगे कि ये हेमी एसिटिल लिंकेज C1 और C5 के बीच में ही होती है, राइट। अभी हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से C5 पर उपस्थित OH का हाइड्रोजन यहां जाता है एंड इट फॉर्म्स OH ग्रुप। बेटा C1 का OH ग्रुप राइट साइड है, देन दिस इज अल्फा ग्लूकोज, और C1 का OH लेफ्ट साइड है, देन दिस इज द बीटा ग्लूकोज। मैंने इसको नाम दिया है स्ट्रक्चर ए एंड स्ट्रक्चर बी। देखो बच्चों 1 के बाद 2, 3, 4, 5 राइट लेफ्ट राइट सेम पोजीशन है,
सिर्फ एक ये लिंकेज बनती है, हेमिएसिटल लिंकेज। ये बच्चों मैंने आपको पार्ट फिफ्थ में भी बताया है कि किस तरह से अल्फा और बीटा ग्लूकोज की संरचनाएं फॉर्म होती हैं। यहां देखिए क्लियर लिखा है कि संरचना ए में OH समूह दाईं तरफ है और संरचना बी में OH समूह लेफ्ट साइड में है। ये दोनों रूप अल्फा व बीटा ग्लूकोज हैं, अतः इन्हें डायस्टीरियोआइसोमेरिज्म, इट इज विवरिम समावयवता, इंग्लिश हिंदी में से कहते हैं विवरिम समावयवता और इंग्लिश में से कहते हैं डायस्टीरियोआइसोमेरिज्म। ठीक है, विवरिम समावयव होते हैं। बच्चों ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपका जो प्रेजेंटेशन पार्ट है कॉपी में जब आप लिखेंगे इनको आप थोड़ा अंडरलाइन करके लिखिएगा, राइट। इसको हाइलाइटर से कर दीजिए या नीचे इसके पेन से लाइन कर दीजिए। वापस एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको राइट से लिखा है कि यहां देखिए इसके अंदर तो राइट साइड है C1 और इसके अंदर लेफ्ट साइड है C1, तो विवरिम समावयवियों का युग्म, दिस इज द पेयर ए एंड बी, जो कि C1 पर विन्यास में भिन्न होते हैं। C1 हियर एंड C1 उल्टा हो गया है ना, इनका कॉन्फिगरेशन डिफरेंट होता है। इसे कहते हैं बच्चों एनोमर, अगेन ए इंपॉर्टेंट टर्म है ना। इसके अंदर मार्किंग आपको पूरा चाहिए, ये 1.5 नंबर का सवाल आता है, 2 नंबर का सवाल आता है, आपको पूरा मार्किंग मिलेगा। एक एक चीज को इसको अंडरलाइन कर दीजिए आप, है ना, यहां पर हर टर्म को आप अंडरलाइन करिए। तो ये कहलाते हैं एनोमर्स। बच्चों ये जो प्रोसेस है परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, ये परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन होता है उभय प्रोटोनी विलायक एम्फोप्रोटिक सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, है ना। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका जो मैकेनिज्म है ना नीचे, कि परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन केवल उभय प्रोटोनी विलयन में होता है और जल एक ऐसा विलायक है। देखो बच्चों अल्फा ग्लूकोज आपको पता है और बीटा ग्लूकोज आपको पता है। अल्फा ग्लूकोज में OH ग्रुप इस तरफ है और बीटा ग्लूकोज में OH ग्रुप इस तरफ है। देखो बेटा इस तरफ से अल्फा ग्लूकोज एंड दिस इज द बीटा ग्लूकोज, क्लियर। आप जब इसका मैकेनिज्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये C5 हो गया लाइक दिस, राइट। ये हो गया अल्फा ग्लूकोज, इसका कितना है +112 डिग्री। देखो आप यहां हाइड्रोजन लग दीजिए आप, इसी तरह से आप क्या करेंगे यहां पर, ये देखिए ये बन गया हमारा, ये अल्फा ये बीटा ग्लूकोज, इसका एक +112 और इसका +19 डिग्री, और हमें बीच में इसमें क्या लिखना है, देखिए यहां पर क्या हो रहा है +HOH, वहां पर क्या हो रहा है +HOH। देखो बेटा इसके अंदर व्हाट हम इधर आ रहे हैं +HOH, सो दैट H एंड OH, बेटा इसको आप लिख दीजिए C H OH OH C OH H, एंड इस यहां पर आप आएंगे देन -HOH, निकाल दीजिए देन रिवर्स हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ बीटा ग्लूकोज। बहुत सिंपल है इसका मैकेनिज्म, एक आप स्ट्रक्चर ये वाला लिखिए, एक आप स्ट्रक्चर ये वाला लिखिए, इसके अंदर आप वाटर ऐड करिए, वाटर आप ऐड करेंगे देन फॉर्मेशन ऑफ दिस सी +52 डिग्री, दिस इज द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, राइट। तो बच्चों ये हमने खत्म किया यहां पर म्यूटा रोटेशन और परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन की किस प्रकार अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज समय के साथ इनके विशिष्ट घूर्णन के मान में परिवर्तन होता है और ये परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करते हैं। परीक्षा के हिसाब से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार करें और बेटा प्रेजेंटेशन पार्ट आप चाहें तो इसको कॉपी कर लें और आप भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं।
कोशिश करेंगे, तो मुझे उम्मीद है आप मेरे से भी अच्छा कर पाएंगे और आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।